जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई के अग्रिपाड़ा में ये जो स्कूल मौजूद है, मेरे पास मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेंट जोसेफ स्कूल, यहाँ पर अनाथ बच्चे भी रहते हैं और बाहर के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो है करीब 22 से 26 बच्चों को कोरोना हुआ और उसके बाद ये पूरा स्कूल सील कर दिया गया है। हालांकि आंकड़ा जो है कहीं 22 बताया जा रहा है, कहीं 26 बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल का स्टाफ भी है, कुछ को नायर में भर्ती कराया गया है और कुछ को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन स्कूल की तरफ से फ़िलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। ना तो प्रिंसिपल बाहर निकल कर आ रहे हैं, ना तो स्कूल के मैनेजर बाहर निकल कर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, कितने बच्चों को हुआ है, कितने स्टाफ को हुआ है और उन बच्चों से जो बाहर के बच्चे मिलने आए उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंबई प्रेस ने जिन बच्चों के अभिभावकों से बात की है, उनका साफ कहना है कि स्कूल प्रशासन को पहले से ही पता था कि इन बच्चों को कोरोना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सेफ्टी नहीं की गई। बाहर के बच्चों से वो मिले तो ऐसे में संभावना ये भी है कि बाहर के उनके जो दोस्त जिनके साथ वो खेले उनको भी कोरोना हो सकता है। ऐसे में अभिभावक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को किस तरह से जो है क्वारंटीन में रखते हैं या फिर दूसरी जो अलर्ट है वो करते हैं। बच्चों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो फिलहाल अस्पताल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। नार अस्पताल के डीन का कहना है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चे जो है आराम से उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पूरे स्कूल को सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं और BMC के जो अधिकारी हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, वो भी तैनात हैं। कैमरामैन जैद के साथ रेहान जी हुसैन, मुंबई प्रेस, मुंबई।